टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये सब मशीन ड्राइंग में कर रहे हैं, जिसमें हमें ये डिट्टो सेम ड्रॉ करना है। तो पहले लेंथ मार्क कर लेते हैं। देखो, उन्होंने 82 दिया है, तो पहले 82 मार्क करेंगे और दोनों साइड 12-12 का लाइन बना देंगे। ये देखो, 82 मार्क किया है, यहाँ से 12, ये 82, उसका मिड पॉइंट ले लिया। सो पहले 82 का मिड पॉइंट लेके एक्सिस लाइन बनाएंगे। उसके बाद कितना ऊपर जाएंगे, 12 + 35। ये देखो, यहाँ पे 12 मार्क किया और लाइन बना दी। अभी हम लोग ये बीच के जो सर्कल्स है वो बना रहे हैं। ये कितना है, डायमीटर 42 एंड डायमीटर 64 एंड रेडियस 53। सो तीन सर्कल बनाएंगे हम लोग, और ये जो सर्कल है उसका डायमीटर 82, सो 41। सो चार सर्कल हो गए। ये मैंने पहले रेडियस 41 बनाया, बाद में रेडियस 21 एंड रेडियस 32। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो देर आर 6 पार्ट्स। सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 60-60 डिग्री मैंने ड्रॉ किया और सब जगह वो जो डिस्टेंस है वो 8 mm है, इसलिए 4-4 mm दोनों साइड कट कर रहा हूँ। हमें 6 स्लॉट बनाने हैं, इसलिए मैंने 60 डिग्री लिया अभी। मैं सब जगह 4-4 mm मार्क कर रहा हूँ। वो जो लाइन मैंने बनाई है अभी सेंटर पे रख के कर्व इसे आप बना सकते हो, और ये लाइन डार्क कर सकते हो, ये कर्व डार्क कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे, 82 वाला डिस्टेंस है, वहाँ से कितना ऊपर जाएंगे, 12 mm, और एक स्क्वायर बना देंगे। दूसरी साइड भी वैसा ही करेंगे, तो वहाँ से क्वार्टर सर्कल बना सकते हैं रेडियस 12 का। उसके बाद ये देखो कितने सर्कल है, 6 होल्स, डायमीटर 12, सो रेडियस 6 लेके सर्कल बना सकते हैं। इसको डार्क कर दो। भी यहां से वर्टिकल लाइन, यहां से वर्टिकल लाइन। उसके बाद अभी कर्व है रेडियस 53 वाला, देखो वो बना दो। अभी ये जो डिग्री है कितना है, 30 डिग्री है वर्टिकल के साथ, तो वो हम एक्सटेंड करेंगे। देखो यहाँ से ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, वर्टिकल के साथ 30, उसका मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 60, वैसे भी लिख सकते हो। अभी डिस्टेंस देखो 24-20, तो यहाँ से मार्क करेंगे 24-20, 24-20,
एक्सिस बना दिया। अभी यहाँ पे रेडियस 13 मार्क करेंगे। देखो ऊपर दिया हुआ है ना, और वापस उसकी पैरेलल लाइन ले लेंगे 360 सेट स्क्वायर से। देखो पूरी जॉइंट नहीं कर रहे हैं बिकॉज वहां पे कर्व है रेडियस 12 एंड रेडियस 22, तो वो हमें देखना है। पहले हम लोग ये रेडियस 12 देखते हैं, तो 12 पैरेलल लाइन है और रेडियस 53 को एक्सटर्नल है। देखो 53 प्लस 12, तो सेंटर से 53 प्लस 12 ले सकते हैं यहाँ से, देखो, और वहाँ से हाँ, और वो जो लाइन है वहाँ से 12 mm का पैरेलल लाइन। ये देखो ये वाला लाइन, सेम दूसरी साइड पे भी आएगा। देखो यहां से कर्व मिल गया रेडियस 12 वाला, इस साइड भी वही करेंगे, रेडियस 12 लेंगे और आर्क बनाएंगे। जहां मीट होगा वहां से कर्व बनाएंगे। इसको ड्रॉ करेंगे, ये रेडियस 22। ये देखो, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, रेडियस 22 का पैरेलल लाइन ले रहे हैं इस साइड से, और यहां से भी रेडियस 22 का पैरेलल लाइन। ये जहां भी कट हुआ वहां से रेडियस 22 लेंगे। अभी यहां से रेडियस 6 बनाएंगे हम लोग, और चार सर्कल बनाने ना रेडियस 6 की, तो वो बना देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये सब हो गया। आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं। एक मिनट, ये बाकी है रेडियस 83। ये देखो यहाँ पे कितना, लेट से इसको लिखते हैं P और Q, और 83 है वो इंटरनल है, तो 83 माइनस 13 कितना होगा 70। तो P से कट करेंगे 70 और Q से कट करेंगे 70, और जहाँ पे मर्ज होगा, जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट होगा वहाँ से हम लोग लेंगे 83। देखो ऐसे आएगा, तो ये हमारा सम पूरा हो गया। इसमें आप डायमेंशनिंग कर सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो, एक्सेस बना सकते हो। आशा करता हूं कि आपको ये सम समझ में आया। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।